अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। रमज़ान आने वाला है और मैं आई थी ग्रॉसरी करने, जो कि बिल्कुल रमज़ान से एक वीक पहले होती है, क्योंकि हम ख़वातीन, हमारी कोशिश होती है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग फ्रीज़ करके रख दें, चटनियाँ बना लें और बाकी भी बहुत से काम होते हैं लाइक अदरक लहसुन, वो हम लोग ग्राइंड करके रख लेते हैं या रोल समोसे वगैरह बना लेते हैं। और इसके अलावा बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी नहीं याद आ रही। मैंने एक लिस्ट बनाई भी थी और मैं वो सब ज़रूरत की जितनी भी वेजिटेबल्स थी मैं ले रही थी, क्योंकि बस ये इसी हफ्ते में हम लोगों की कोशिश होती है कि सब चीज़ें हम लोग बना लें, फ्रीज़ करने वाली फ्रीज़ कर दें, ताकि रोज़े हमारे बहुत ही ईजी गुजरें और हमें हमारा फोकस ज़्यादा कुकिंग पर ना हो। हमारा फोकस रमज़ान का जो मेन मकसद है, नमाज़ें, रोज़े, सात इबादात, उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहे, जबकि अक्सर तो इसके उलट ही हो रहा होता है। सारी तैयारी, सारा फोकस हम लोगों का किचन में लग जाता है, लेकिन अब चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की हमें ख़ुद से ज़रूरत है कि बहुत फैंसी ना रखें, क्योंकि बहुत महंगाई भी हो गई है। चीज़ों को आप नॉर्मल रखें, और क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मैं देख रही हूँ बहुत ही बल्क में ग्रॉसरीज़ की, और बस किसी की तरफ देख के ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो जितनी आपके रिसोर्सेज हैं उसी में ग्रॉसरी करें और उसी में चीज़ें मैनेज करें। बाकी ये कि अल्लाह मियाँ सबके दस्तरखान को भरा रखे और अल्लाह मियाँ सबको जो है इतनी सताद दे के अपने रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजारें और हम लोगों को भी इस काबिल बनाए कि हम लोग दूसरों की मदद इस महीने में कर सकें। जी, ये मैं काफ़ी चीज़ें ले रही हूँ और क्योंकि मैं चीज़ें बना के रख देती हूँ, उन सब चीज़ों का जो लिंक है वो मैं नीचे, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोज़ बनाई हुई हैं लाइक इमली की चटनी, हरी चटनी, पकोड़ा मिक्स जो मैं बना के एक साथ रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ आप डब्बे निकालें अलग 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 अलग, अलग और उनको मिक्स करें, इससे बेहतर है एक दफ़ा ही आप 1 किलो या 2 किलो बेसन को मिक्स कर दें और फिर आप लोग जो हैं वो निकाल लिया करें रोज़ जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं इसीलिए ले रही थी, जो लिंक्स हैं वो मैं आप लोग साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग जाएँ यूट्यूब पर वीडियो देखें। इस दफ़ा मैंने सोचा मैं प्रिपरेशन की वीडियो नहीं बनाती, वही जो चटनियाँ बना के हम लोग अदरक लहसुन पीस के रखते हैं, आपको शो करते हैं हर साल। इस साल मैंने सोचा आपको ग्रॉसरी करते हुए एक वीडियो आप लोग साथ शेयर करती हूँ, और इंशाल्लाह उसके बाद जो डिफरेंट रेसिपीज़ मैं पूरे रमज़ान बनाऊँगी वो रेसिपीज़ मैं आप लोग साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। अच्छा, अब ये था कि काफ़ी चीज़ें जो थी वो हमें मुख्तलिफ अदर शॉप से मिल रही थी, जैसे ये सॉसेजेस और चीज़ वगैरह थी मैंने अलग शॉप से ली, फिर मुझे कुछ बोनलेस चिकन चाहिए था रोल्स वगैरह के लिए, वो मैंने अलग जगह से लिया। उसके बाद रोल की पट्टियाँ मुझे चाहिए थी, वो बस मेन बाज़ार में एक शॉप है, मैं हमेशा पिछले कई सालों से वहाँ से पट्टियाँ लेती हूँ रोल्स की और समोसों की, तो मैं वहाँ लेने गई। वहाँ बड़ा अच्छा ये था कि आपको चाट मसाला और अनारदाना पिसा हुआ, बूंदी, दही, दही फुल्की वगैरह, ये सब चीज़ें बनी।